बेसिकली मैं फिल्म लाइन से हूँ नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रयोग मैंने पहली बार किया है। मैं जुड़ा था डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, जिनको मैं आचार्य के नाम से जानता हूँ, जिनकी चाणक्य और पिंजर जैसी फिल्में और टीवी सीरियल मैंने देखी है। तो उनसे मुलाकात होती रहती थी, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास मुकुंद भाई एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, हमें उस पर काम करना चाहिए। और उसी वक्त मैंने तय कर दिया कि हम करते हैं। और डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी से एक नाता था, उसकी वजह से मैं ये फिल्म लाइन में आ गए। ड्यूरिंग द एक साल की जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, डॉक्टर साहब ने बहुत सिखाया। और लगता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है, अच्छी सब्जेक्ट हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, तो ऐसी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। और अभी तो फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि हर साल हम एक फिल्म बनाएंगे और एक फिल्म इंडस्ट्रीज को देंगे। बहुत चेंज हुआ क्योंकि ही इज़ वेरी कमिटेड। उन्होंने 58 दिन में राजस्थान, जहाँ पे हमने जब शुरू किया तब ठंड पड़ रही थी, गर्मी, ये दोनों सीजन हमने वहाँ पे फील की है। और सुबह 5 बजे उठ के रात के 11:30-12 बजे तक नेक्स्ट डे क्या शूट करना है, उसके प्लानिंग, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क नंबर वन। एंड इट्स रियली आई सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन हिम, कि जब कैमरा के पीछे नहीं होते हैं तब डॉक्टर साहब एक अलग व्यक्तित्व है, और जब कैमरा के पीछे चले जाते हैं और वो डायरेक्शन करते हैं तो एक अलग व्यक्तित्व है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह देखने को मिली। देखिए, बहुत ही एक कॉमन व्यक्ति की स्टोरी है कि इंसान के नसीब में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारे फिल्म में हमारे हीरो के साथ हुआ, एक कॉमन मैन है, पंचरवाला है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वैसे ही इंसान को कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, अपना जो काम है, अपना कर्म है, वो करते रहना चाहिए। तकदीर कर्म करने से कब बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं, नहीं। मैं खुद ही असलम पंचरवाला हूँ। मैं बहुत ही कॉमन फैमिली से हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, जिन्होंने, मैं खुद जब यहाँ से कनाडा गया, मैं कनाडा हूँ, तब वहाँ पे भी ऐसे ही छोटे मोटे काम करके आज इस मकाम से पहुँचा था। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये स्टोरी मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है।